तो फाइनली सारा काम हो चुका है और खाना वाना भी बन गया है। तो गाइस आज का यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और आगे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? तो आप अच्छे होंगे। तो गाइस आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आज विकास। तो गाइस आज मतलब दिल्ली में बहुत ज़्यादा ही बारिश पड़ा है, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ही। अभी भी मेघ लगा हुआ है, अभी पड़ नहीं रहा है। और मैं अभी आई हूँ चाय गर्म करने के लिए, चाय में चाय पीने के लिए। और मेरे को अभी नाश्ता भी बनाना है, अभी नाश्ता करके जाएंगे काम में। तो चाय पी के पहले थोड़ा सा लेट हुई, उसके बाद तो चलिए गाइस फिर चाय पी के फिर आप लोग से मिलती हूँ। फिर थोड़ा घर पर लाइट भी नहीं है, कपड़ा वपड़ा भी धोना है जल्दी जल्दी, फिर लाइट भी नहीं है, दुकान भी जाना है। मिलती हूँ फिर आप लोग से। हे गाइस, तो मैं मतलब टाइम सुबह के 9 बज गए हैं और अभी मैं चला रही हूँ खिचड़ी और अभी चला रही हूँ चोखा बनाने के लिए। तो अभी यहाँ खिचड़ी बन रहा है, इधर मैं चला रही हूँ क्योंकि आज जल्दी से सवेरे खाना चला रही हूँ। तो ऐसे दीदी बनाती थी खाना, मैं उधर का काम करती थी, लेकिन हाँ आज मैं जल्दी सवेरे चलाना पड़ रहा है क्योंकि हाँ ये खाना खा के जाएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और ऐसे भी टाइम 9 बज गया है इसीलिए। तो अभी मेरे को चोखा भी फ्राई करना है, चोखा भी लेके हूँ अभी फ्राई। अभी जल्दी से खिचड़ी होगा, फिर मैं मिर्ची से प्याज सब अभी काट के रखी हूँ इसमें। अभी जा रही हूँ प्याज सब काट के जल्दी रखूँगी, फिर चोखा फ्राई करूँगी, फिर उसके बाद गोभी लाई हूँ, देख सकते हैं गोभी। अभी गोभी काटूँगी खिचड़ी में डालने के लिए, फ्राई करके डालूँगी सब्जी बना के यदि टाइम मिलेगा तो, क्योंकि 9:15 हो चुका है, 10 बजे खाना खा के जाएंगे। मेरे को तो लग नहीं रहा है कि बना पाऊँगी। तो चलिएगा सब लोग ब्लॉग में बने रहिए, फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्या क्या बनाती हूँ। फिर पापड़ भी छानना है, अब मेरे को अभी दुकान भी जाना है, कपड़ा भी धोना है, जैसे खिचड़ी बना के तो खाना बना के फिर कपड़ा धोना है। तो मिलती हूँ फिर थोड़ा देर बाद आप लोग से। हे गाइस, तो खाना बन चुका है और जल्दी जल्दी मैं बनाई हूँ और खिचड़ी चोखा पापड़। तो अभी गुड़ा भी छोकना है क्योंकि भुजिया बनाऊँगी, क्योंकि वो सुबह बनने वाला था लेकिन नहीं बना, ख़राब हो जाएगा, इसलिए जा रही हूँ उसका सब्जी बनाने के लिए भुजिया। फिर जल्दी से फिर भुजिया बना के किचन साफ करके फिर मैं कपड़ा धो के तब फिर जाऊँगी दुकान। तो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो चलिए गाइस फिर मिलती हूँ दुकान में। हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ अभी दुकान और अभी गई है गुड़िया दवाई खाने के लिए। और मैं जल्दी जल्दी फिर काम करके जल्दी से आ गई। बाबू भी सोई हुई है अभी, इसलिए मैं सोची जा रही हूँ जल्दी। और मम्मी अभी गई है खाना खाने के लिए, मम्मी को भी भूख लग गया था बट मैं भी खाना नहीं खाई हूँ, सिर्फ नाश्ता करके आई हूँ, खाना खाऊँगी अभी नहीं। तो अभी गुड़िया आएगी तो अभी जा रही हूँ मैं अभी वीडियो बनाने के लिए, अभी वीडियो बनाऊँगी शॉर्ट्स। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ मौसम अभी 2 दिन से ठंडा ठंडा है और उतना ज़्यादा धूप तो नहीं है बट बारिश पड़ रहा है। बारिश पड़ जाने से तो हर जगह मौसम ठंडा ठंडा हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और लेकिन यहाँ बारिश पड़ रहा है, मौसम तो ठंडा है लेकिन काम बेकार हो जाता है, काम धंधा चलता नहीं है। तो चलिए गाइस मैं अभी जा रही हूँ रील्स बनाने के लिए, मैं दुकान में ही बैठे 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 बना लेती हूँ ताकि घर में भी मतलब घर में बाबू किसी दिन तंग करने लगती है तो नहीं बना पाती हूँ, यदि तंग नहीं करती है तो बना लेती हूँ। तो आप लोग बने रही है ब्लॉग में, अभी जा रही हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए, फिर उसके बाद जाऊँगी कुछ देर बाद खाना खाने के लिए, फिर खाना खा के फिर आ जाऊँगी। बाबू भी उठने वाली है, उठ जाएगी। हे गाइस, तो बाबू अभी आई है घूमने के लिए, तो आप देख सकते हैं।
तो ये दुकान में बहुत ज़्यादा ही मस्ती करती हैं। मस्ती करती है मेरे पे रहम नहीं है। तो अभी थोड़ा देर बाद चले जाएगी क्योंकि इसको फिर भूख लगेगा। सारे 11 बजे ही खाना खाई है, दूध पिए, अभी 1 बजने वाला है, 1.5 घंटा हो चुका और जाएगी घर। इसको दादी दूध बना पिला देगी। दूध पिएगी बेटा मेला। हाँ अच्छा, मेरा राजा को भूख लग गया है। और गाइस ये घर में पूरे शू करके बिछना सब पूरे ही कर दिया, गीला करके आ गई है। इसको डायपर पहना के भी लेके आई हूँ क्योंकि यहाँ ठंडा ठंडा मौसम है, इसलिए इसको ठंडा लगता है, इसलिए छू करने लगती है। किची कर दो। घुमो। तो ये जाएगी फिर थोड़ा देर बाद घर। हे गाइस, तो मैं अभी खा रही हूँ जामुन, देख सकते हैं काला काला जामुन। तो पापा खरीद के लाए हैं मार्केट से, मैं बहुत महंगा देता हूँ, 60-70 रुपये किलो ऐसे ही देता हूँ। तो पापा अभी लेके आए हैं 1.5 किलो जामुन खाने के लिए। तो गाइस आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और आगे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट।